मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ। बिहार की राजधानी पटना में भारत बंद का आंदोलन रोड पर देखने को मिला। आंदोलन कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच सफेद शर्ट और काली पैंट पहने एसडीएम साहब आंदोलन में प्रयोग किए जा रहे जनरेटर को जब बंद कर रहे थे, तभी सुरक्षाकर्मी के तौर पर बिहार पुलिस के जवान ने एसडीएम साहब को आंदोलनकारी समझकर लाठी भांज दी। पुलिस वाले लाठी चार्ज में ऐसा मशगूल हुए कि उनको एसडीएम साहब भी नहीं नजर आए। भारत बंद का प्रभाव बाराबंकी में भी देखने को मिला, जहां इंडिया गठबंधन के सांसद तनुज पुनिया भी दिखे। हुआ है हजारों सालों से हुआ है, उसके आधार पर यह आरक्षण दिया था, तो ये आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर बनाने के लिए और सबसे मुख्य बात दलित समाज के बीच में खंड बना करके अलग अलग वर्ग बना करके अलग अलग स्लैब बना करके विरोध में हम लोग थे। आज एक दिवसीय धरना है, कहाँ से कहाँ तक? ये हमारे अम्बेडकर छात्रावास से बाबा साहब को पदयात्रा करते हुए निकला है। यहाँ सरदार पटेल जी के मूर्ति पे प्रतिमा सरकार जो है वो कह रही है कि इसमें बहकाया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं। बहकाने की बात ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था, सरकार को समाज का पक्ष मजबूती से रखना था। इतने मजबूत तथ्य है, इतने मजबूत उसमें केस बनता है कि अगर तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी ये बात समझता है और ऐसा कोई आदेश ना हो। इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब इसे जवाब लोग कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा? हम लोग विरोध करेंगे, अपील भी करेंगे और इस पर पुनर्विचार की जो है याचिका भी डालेंगे। क्या रणनीति रहेगी आगे इसके बाद? देखिए, इसका विरोध करना है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेगा समाज, क्योंकि हमने देखिए सामाजिक रूप से दबाएंगे। आर्थिक आधार होता तो बड़े बड़े अफसर प्रमोशन रिजर्वेशन क्यों मानते? जो बड़े पद पे लोग हैं उनके साथ भी आज उत्पीड़न हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है। तो यही बात है कि आर्थिक आधार नहीं होता, ये सामाजिक आधार पे जो है बाबा साहब ने हमको दिया। अगर ये कह रहे हैं कि आज ये लोग दावा कर रहे हैं कि जो पूरा बंद था ये विफल हो गया है, आपको क्या लग रहा है? मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, पूरा लखनऊ जाम था, पूरा बाराबंकी जाम है, यहाँ हजारों की संख्या में दसियों हजार लोग यहाँ मौजूद है, तो कहाँ से विफल हो गया? समाज निकल कर गया है। और ये जब बारिश भयंकर हुई है, सारे लोग आ भी नहीं पाए, तब इतनी भयंकर भीड़ है, तो ये विफल नहीं हुआ। बहुत बड़ा ये आंदोलन है, लंबा चलने वाला आंदोलन। एक बार जी भाई, स्टेशन त्याने सगळ्यांना येतच असतो, सगळ्यांमध्ये भेटलं तो त्याला पकडला, तुम्ही गावाला आले मला पकडला, आता मी आले सर मला पुढे आहे। जे काही प्रकरण घडलेलं आहे ते दुर्दैवी घडलेलं आहे, त्यामुळे ते जे काही आरोपी आहेत त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे अशा प्रकारचं निर्देश मी कालच सीपीना दिले। तो हे जे कालचं जे आंदोलन होतं ते पॉलिटिकल मोटिवेटेड होतं असं माझं म्हणणं आहे, कारण इतक्या फटाफट कधी आंदोलन जेव्हा होतं ते स्थानिक लोक असतात, इथं स्थानिक लोक हाताच्या बोटावर मोजल्या इतके होते आणि इतर